सो गाइस, आज बनाए हमने अरवी के पत्ते के पकौड़े। सो ये वाली रेसिपी मैंने पहले भी ब्लॉग पे शेयर की हुई है, सो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो ये देखिए आज कितने प्यारे पत्रोड़े, हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं इनको पत्रोड़े, ये बनाए हमने। हेलो गाइस, वेलकम बैक अनदर ब्लॉग एंड गुड मॉर्निंग। तो ब्लॉग मैंने स्टार्ट कर दिया है और अभी मैं कहाँ जा रही हूँ मैं आपको बता देती हूँ। पहले उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मेरे घर के जो आज काम है सारे के सारे ही ख़त्म हो चुके हैं। और आज सुबह मैं ना जल्दी उठ गई थी क्योंकि आरुष के पापा को आज जल्दी जाना था, तो उनके लिए लंच वगैरह बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है सुबह सुबह। तो अभी जा रही हूँ मैं, कहाँ मैं जा रही हूँ, आरुष को लेने। वो गया है हेयर कटिंग के लिए अपने दादा के साथ, तो मैं उसको ले आती हूँ और मैं दिखाती हूँ आरुष की हेयर कटिंग कैसी हुई है आज। जहाँ से मैं जा रही हूँ वहाँ पे पेड़ ही पेड़ है और नीचे है बड़ी मम्मी का घर। मैं आपको दिखाती हूँ दादी कर रही है वहाँ पे काम। क्या ला रखा ना, तो गाइस बड़ी मम्मी जा रहे हैं आगे क्योंकि इनको लेट हो गया है शॉप पे जाने के लिए, क्योंकि 11:30 का टाइम हो चुका है और शॉप इनका जो बंद हो जाएंगी, तो जल्दी जल्दी जा रहे हैं वो भाग भाग के। वो देखो कैसे भाग रहे हैं। और मैं जा रही हूँ आरुष को लेने, तो मैं आरुष को ले आती हूँ, उसके बाद आपसे बात करती हूँ और आरुष की भी बात करवाती हूँ। गाइस बाहर आके ना बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है क्योंकि ठंडी ठंडी हवाएं चली हुई है, अंदर अंदर रह के ना ऐसे मतलब दम सा घुट रहा है लॉकडाउन में, तो बाहर आके ना बहुत ही अच्छा सा फील होता है। सो हम आरुष का हेयर कट करवा के आ गए हैं, मतलब मैं आरुष को लेके आ गई हूँ। आरुष इस साइड देखा, बोलो, भाव खा रहा है बहुत ज़्यादा और मास्क इसने पता नहीं कहाँ फेंक दिया अपना, इतना गंदा बच्चा है ये। अभी अपने लिए ये वाली फ्रूटी और लेज का पैकेट लेके आया है और अभी और मांग रहा था, बोला था कि एक आइसक्रीम दो, पता नहीं क्या क्या चाहिए होता है इसको। चल, इतना सारा भोजू घर में है, भोजू भोजू ही करता रहता है, बस हो गया। कौन गए, चलो जल्दी जल्दी चलो। आरुष ने ना कमीज़ खुला दी अपनी क्योंकि इसको बाल चुभ रहे थे, तो इसको घर जाके नहलाएंगे। इधर मुड़, हेलो, मेरी तरफ देख, सेट नहीं किए बाल, फिर से नहीं कट किए हैं आगे से, तो मेरे को लग नहीं रहा है अभी कट किए हैं, ये तो पीछे से हुए है ना। ठीक है, आगे से बोल रही हूँ मैं, दिखा ला, सीधे मुंडी कर, सीधी नहीं किए आगे से कट, दादा ने मना किया होगा शायद। तो क्या बोला होगा, यस बोला होगा, किस लिए, बाल कटने के लिए, तो फिर तो कटे तो है नहीं आगे से। ये कैसी कटिंग करवाई, पीछे पीछे से ही करवाई, क्यों यहाँ से नहीं कटाए, ऊपर से तो कटाए नहीं है बिल्कुल भी, नीचे नीचे से ही करवाया राउंड। गंदा नहीं बन गया, बहुत अच्छा लग रहा है, तो गंजा बन गया। गंजा, अच्छा इस साइड मुड़, ओ हेलो, इस साइड देख, मेरी तरफ देख, गंजा बन गया, तो पीछे से बन गया गंजा, आगे से तो लग नहीं रहा है गंजा कहीं से भी। चल हॉस्टल थक गए मम्मा, काम कर रहे थे मम्मा ना, भाग भाग के गए फिर आपको लाने, मम्मा थक गए हैं, खाना भी नहीं खाया मैंने अभी तक। तो बड़ी बस में गए, बस कहाँ चली है आजकल, पैदल आई मैं। यार मेरे को चाहिए तेरा फूल, मेरे को चाहिए तेरा फूल, थैंक यू।
कर। सो हम आरुष का टेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं। सो मैंने इसको इस तरह की काउंटिंग जो है लिख के दी है और बिंदु बिंदु डाल के दिए हैं। सो देखेंगे ये पूरा खुद से लिखता है या नहीं। मैं आपके सामने ही सब कुछ करूंगी एंड देखेंगे कि लिखता है या नहीं। अच्छा बताओ पहले ये देखो गाइस, ये तो इसने शाम को लिखा हुआ है। शाम को मैंने इसका टेस्ट लिया हुआ था। ले दो मामा। अच्छे से लिखना ठीक है। ठीक है लिखूं मजा आएगा। लिखो लिखो सारा करके लिखो खत्म, फिर देखते हैं कौन सा गलत होगा कौन सा ठीक है। यार ऊपर से कर स्टार्ट पहले। रुको मामा मैं यहाँ से करूँ छोटा। ऊपर से करते हैं स्टार्ट, नीचे से नहीं करते। देखो यहाँ से कर स्टार्ट, नीचे का ये वाला लिख, थ्री लिखा। थ्री के बाद आता है फोर। ये फोर का है? ये वाला रह गया। अच्छा एक और पेन का ना। फाइव है ये। आप सभी लोग, आज मैं पूरा एक शाम और एक दिन के बाद जो है आपसे बात कर रही हूँ। अभी टाइम हो रहा है 7:30 का और मैं बैठी हूँ छत पे। तबीयत ठीक नहीं है, फेस आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा क्योंकि
सुबह का किस्सा सुनाऊँ तो थोड़ा अजीब है, बट क्या ही बताएं। तो टैबलेट वगैरह ले ली है मैंने, बीपी लो था बहुत ज़्यादा, और वीकनेस बताई है कि वीकनेस बहुत ज़्यादा है आपको। तो अभी डॉक्टर ने टैबलेट्स वगैरह दी है एंड वही चल रही है। एंड एक साइड का फेस मेरा सूज गया है, क्योंकि मुझे आपको बताना था कि इस ब्लॉग को मैं कंटिन्यू क्यों नहीं कर पाई। सो जैसे आपने देखा कि मैंने जो है आरुष को पढ़ाया, उसके बाद जो मैंने सोचा था कि दूसरे दिन आरुष का टेस्ट वगैरह लूँगी, तो मैंने आपको बताया भी था। सो उसके बाद ना शाम को बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई, मतलब उठा भी नहीं जा रहा था, बहुत ज़्यादा मतलब चक्कर से आ रहे थे बहुत ही ख़तरनाक वाले। सो मैं पूरा रात बिस्तर पे ही पड़ी रही और पूरा दिन, मतलब पूरा हाँ पूरी रात। फिर सुबह जब मैं उठी, मैंने सोचा कि मेरी तबीयत ठीक है, लगा मुझे ऐसा, तो मैं उठी और वॉशरूम वगैरह गई। और वॉशरूम जाते ही मतलब मैं बाथरूम में गिर गई, मतलब चक्कर आ गया मुझे बहुत ज़ोर से, और मेरे को लग गई। और लगी कहाँ पे, फेस पे। तो मैं इस वाली साइड को गिरी इस तरह से ज़ोर से, मतलब एक साइड पूरी डैमेज हो गई है, मतलब दर्द हो रही है बहुत ज़्यादा, ज़ोर से गिरी, यहाँ पे लगी ज़ोर से और स्वेलिंग से आ गई थी। अभी तो थोड़ा ठीक है, बट सुबह से हालत ख़राब थी। तो अभी मम्मी ने कहा कि छत पे जाओ और थोड़ी सी हवा वगैरह ले लो, और मम्मा और इतनी केयर कर रहे हैं ना, जैसे पता नहीं क्या हो गया है मुझे। सुबह चक्कर आने के बाद जो है उनको बहुत ज़्यादा डर लग गया, क्योंकि वो चक्कर नॉर्मल नहीं था, कुछ अजीब से टाइप का होता है, मतलब कुछ समझ नहीं आता, एकदम सुन हो जाता है शरीर, ना ही साथ देने को होता है कि क्या ही हो रहा है मेरे साथ। अब भी मम्मा ने आवाज़ डाली थी, पापा बोल रहे हैं कि छत से पीछे पीछे रही हो, कहीं नीचे मत गिर जाना। तो मैं बीच में बैठ गई हूँ यहाँ पे, और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, अच्छा लग रहा है। और मैं यहाँ पे आई हूँ, तो मैंने सोचा कि ब्लॉग को एंड भी कर ही देती हूँ। सो आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा या नहीं आया होगा मुझे नहीं पता, बट लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। और आने वाला ब्लॉग पता नहीं कब आएगा, बट ज़रूर जल्दी ही करूँगी स्टार्ट। तब तक मैं अपने आप को ठीक कर लेती हूँ और मिलूँगी आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, और दुआओं में याद रखिएगा। बाय बाय।